गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सविन कोहली व्लॉग्स। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ पौड़ी दोबारा। 2 तारीख है आज, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि गाइज मैं 2 तारीख को पौड़ी आऊँगा। तो गाइज आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको कुछ ऐसी जगहें बता रहा हूँ जो कि आपको पता नहीं होगा, या जो हमारे पौड़ी में रह रहे होंगे, इस ब्लॉक में रहते होंगे, उनको तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। तो गाइज अगर आप कभी यहाँ घूमने आते हो तो यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको, जो कि देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है गाइस घूमने के लिए। अभी मेला भी लगने वाला है शायद, यहाँ पे लग रहा है कुछ, देख सकते हो आप। एक तरीके का पार्क और उधर से स्विमिंग पूल भी है वहाँ पे गाइस, देख सकते हो। ये यहाँ पे हमारे भैया जॉब करते हैं, तो भैया आप बताएंगे कि क्या है स्पेशल यहाँ पे कि जो इतने पहाड़ों के बीच में एक रेस्टोरेंट है। देखिए यहाँ पे अभी मतलब ये इसको खुले हुए अभी 1 साल हो चुका है, तो ये मतलब जो कंडदरा मंदिर है यहाँ पे, उसी के उसमें हमने अपना एक रेस्टोरेंट नाम गोल्डन गेट रेस्टोरेंट रखा है पहाड़ का। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज है, तो हम लोगों को यहाँ पे जॉब, हम यहाँ पे जॉब बेस में हम यहाँ जॉब कर रहे हैं और हमको यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो चुका है। ओके तो यहाँ पे ये है कि हम लोग ये कर रहे थे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी यहाँ पे, ओके मैक्सिमम जितनी एक्टिविटीज़ है वो अभी बच्चों के लिए। ओके बाकी अभी कुछ ये हमारे यहाँ पे बीच बीच में मेले लगते रहते हैं। ओके अभी जैसे अभी आपको पता होगा कि 4 तारीख को कन्हैया देवता जी का भंडारा है, ओके इसके लिए अभी हमारे यहाँ पे झूले वगैरह मेला वगैरह लग रहा है, कपड़ों से लेके झूला खाने पीने की चीज़ें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। ओके और बाकी जो हमारे यहाँ पे एंट्री वगैरह होती है वो हम मेंटेन के लिए 5 रुपये एंट्री होती है हमारे यहाँ पे, ओके भैया बाकी हमारी 10 रुपये एंट्री होती है वीकेंड्स में। ओके और जितना भी पैसा होता है वो सारा मेंटेन पे लगता है, साफ सफाई यहाँ की रेख देख और जितना भी होता है, ओके और कहीं पे गंदगी ना हो, साफ सफाई का हमारा मेन यहाँ पे मुद्दा है। और ये है कि जितना भी हो सके कि पार्क को क्लीन करना है, और बाकी ये कि हम लोग भी लोकल हैं, हम लोगों का यहाँ पे रोज़गार है, ओके बात ये है, और घर के पास नौकरी मिल रही है, तो इस पर्पज से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। बाकी ये कि अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, आगे ओके बड़ों के लिए भी आ रही है झूले वगैरह और बाकी नई नई चीज़ें आ रही हैं। ओके ये यहाँ का माहौल है, ठीक है। आपको बता ही दिया होगा भैया ने पूरी डिटेल दे दी है, बाकी आप रेस्टोरेंट को देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है भाई। मतलब आओ पहाड़ों में भाई, पहाड़ों में भी ऐसी जगह हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था, मैं पहली बार आया हूँ। तो भाई देख सकते हो आप, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है, तो कभी भी घूमने आओ, मजे करो भाई साहब। साहब मैंने जो मज़ा आ रहा है मुझे भाई साहब, मैं बता नहीं सकता गाइस कि यार कितना मज़ा आ रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल तो बना रखा है, ये देखो ये स्विमिंग पूल तो है बट गंदा हो रखा है, तो शायद ये पत्ते वत्ते गिर गए जिसके कारण ये गंदा हो गया है, बट कोई नहीं भाई, जगह तो बेस्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है भाई साहब, एकदम जन्नत का मौसम लग रहा है मेरे को, देख सकते हो पूरे जंगल के बीच में यहाँ पे रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आपको अगर कभी भी घूमने आते हो यार, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा और काफ़ी बढ़िया, भैया ने काफ़ी अच्छे से हमको इंट्रो दिया, देख सकते हो आप, ये रहे हमारे भैया। और इनका भी जो चैनल है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ओके भैया हम क्या कुछ, मेरा चैनल का नाम है सविन कोहली ब्लॉग, सविन कोहली ब्लॉग। मुझे पता चला है कि आज यहाँ पे मेला लगने वाला है, तो काफ़ी बेस्ट टाइम पे आया हूँ। ऐसे गाइस मैं तो काम से आया हूँ, मेरे को इतना टाइम है नहीं कि मैं यहाँ पे मेला इंजॉय कर सकूँ, बट जितना भी हो सके मैं देख भी लिया, वो भी बहुत ही, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो भाई साहब मैंने अभी इंट्रो भी लिया उनका, काफ़ी अच्छा है यार, ऐसी जो ऐसी जगह पर जॉब करना तो भाई साहब मतलब जन्नत है यार, सुकून भी अलग है, और ऊपर से देख सकते हो आपकी काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही है मेरे को आज, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने ये जगह देखी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि मेले के लिए क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे, आड़ होना है भैया ये भी पता नहीं कितना टाइम लगे, मगर आज मेला है, आज से शुरू है मेला, आज से शुरू है। हाँ। कितने तारीख तक है अभी ये? 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख तक रहेगा। अच्छा रहेगा, ओके काफ़ी लोग काफ़ी आते हैं। चालू है आज 2 तारीख है, आज से चालू हुए 3 तारीख तक रहेगा, 4 तारीख तक रहेगा। अच्छा कितने मतलब कितने बजे तक रहता है मतलब ये? टाइम टेबल का कोई पता नहीं है, जैसे शाम को 7 बजे 8 बजे तक मान के चलो, सुबह को 10-11 बजे से। अच्छा ठीक है बढ़िया है बढ़िया। तो देखिए गाइस अभी भैया ने भी बता दिया कि
अभी है मेला, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो भाई साहब तो कभी आओगे तो काफ़ी बढ़िया है, घूमने लायक। और सब देखो तो क्या मेंटेनेंस है यार भाई, बच्चों के लिए भी खेलने के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे, देख सकते हो आप बच्चे भी खेल रहे हैं फुल। तो गाइस चलते हैं हम भी अंदर, देखते हैं बच्चों के साथ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हेलो, कैसा लग रहा है तुम्हें कि मेला स्टार्ट होने वाला है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड की एक खासियत बताता हूँ, यहाँ बारिश और धूप आने का कोई पता नहीं होता, बिन बादल के बरसात भी हो जाती है और कभी मौसम इतना बिगड़ जाता है कि तूफान तक आ जाता है, बट मौसम कभी भी बदल जाता है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपको आपको कभी यहाँ घूमने आना होगा तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से सीधे कोटद्वार की बस लगती है, कोटद्वार से सीधे पौड़ी की गाड़ी लगती है, तो आप आ सकते हो घूमने के लिए। और दिल्ली से डायरेक्ट पौड़ी के लिए भी लगती है, बट वो 9 बजे तक लगती है, तो क्या आप कभी भी आओ। गाइड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो चैनल पे नए हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।